नमस्कार, प्राइम यू की न्यूज में आपका स्वागत है। खबर रायबरेली से है। आज जन जागरूकता अभियान का रायबरेली में आयोजन किया गया है। जनसंख्या विस्फोट को लेकर सरकार गंभीर है। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। वहीं सीएमओ रायबरेली वीरेंद्र सिंह के द्वारा आज कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा बताया गया है कि परिवार नियोजन की रोकथाम के लिए जिले से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। जिले के तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर और गांव में घूमते हुए परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और परिवार नियोजन की सामग्री आशा बहु और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों में विस्तार करने का काम किया जाएगा। प्राइमरी की न्यूज के लिए राम भवन रायबरेली। परिवार नियोजन की सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए शहर-शहर, गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक ये सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये जाके 4 दिन का कार्यक्रम है। शहर में 2 वाहन और ब्लॉकों में 3 वाहन 4 दिन तक प्रचार प्रसार करेंगे और परिवार नियोजन संबंधित सामग्रियों का भी वितरण करेंगे आशाओं और आंगनवाड़ी के माध्यम से। एक प्रेसवार्ता हमारी, 1 फरवरी को राष्ट्रीय क्रम मुक्त दिवस मनाया जाना है, जिसमें 1 साल से 19 साल तक सभी बच्चों को कीड़े की दवा एल्बेंडाजॉल खिलाया जाना है। और इसके लिए जो बच्चे छूट जाएंगे 1 फरवरी से, उनके लिए 5 तारीख को पुनः मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको ये दवा खिलाई जाएगी। ये दवा हमारी स्कूलों और आंगनबाड़ी के माध्यम से खिलाया जाएगा। गैर पंजीकृत और छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से और पंजीकृत जो स्कूलों में हैं उनको स्कूलों के माध्यम से ये दवा खिलाई जाएगी। कब से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा? ये 1 फरवरी को होना है 1 दिवस, और उसके बाद जो छोटे हुए बच्चे रहेंगे उनको 5 फरवरी को खिलाई जाएगी। लगभग इस तरीके के 15,32,000 बच्चे हमारे यहाँ चिन्हित हैं जिनका टारगेट है, और दवाएं हमारे पास सब उपलब्ध हैं, आ गई हैं, ये खिलाया जाना।